नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अपनी शिक्षा पद्धति और उपलब्धियों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संचालित इस स्कूल के छात्र और छात्राएं देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी योग्यताओं को साबित कर रहे हैं। वहीं आज CMS लखनऊ की गोमती नगर विस्तार शाखा में CMS के 63वें वर्ष पूरे होने पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के सम्मान के साथ साथ हॉल में सिविल सर्विस में चयनित CMS के पूर्व छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता CMS के संस्थापक जगदीश गांधी और सिविल सेवा में चयनित CMS के पूर्व विद्यार्थियों से भी मिले और उनसे बातचीत की। आप भी देखिए। विश्व स्तरीय स्कूलों में सुमार CMS के जो छात्र हैं वो हमेशा अलग अलग विधाओं में अपने अलग कीर्तिमान बनाते हैं। साथ ही साथ तमाम छात्र ऐसे भी हैं जो भारत सरकार की प्रतिष्ठित सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं और लगातार उनका चयन हो रहा है। इस हमारे साथ मौजूद है आयुष सबरी जी, अभी हाल में उनका चयन हुआ है। जानते हैं क्या आधार रहा है कि आप शुरुआत से CMS से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारत सरकार में, और क्या इसमें उपलब्धि रही आपकी CMS में? मेरे को लगता है कि पर्सनली मेरा CMS में 15 साल पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन था, जिसने मेरे को रेडी किया कि मैं ऐसे एग्जामिनेशन के लिए ड्रीम और अचीव कर सकता हूँ। एंड ये अचीव करके आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी ऑब्लाइज टू माई टीचर्स एंड प्रिंसिपल, जिन्होंने मेरे को इस पूरे ड्यूरेशन में इतना मेरा सपोर्ट किया है। पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, करिकुलर एक्टिविटी होती है, सब स्कूल में होती है। हाउ डिफरेंस फ्रॉम CMS फ्रॉम अदर्स? CMS का मेजर डिफरेंस जो मेरे को लगा है वो है कि यहाँ के होमलीनेस में आप स्कूल आते हो तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आई एम अवे फ्रॉम होम। माई टीचर्स आर नॉट ओनली इन्वॉल्व विद माई करिकुलर्स बट ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स। हम लोग के यहाँ समर वेकेशन कैंप होते थे वेयर जब 2 महीने बच्चे घर पे रहते हैं, CMS मेड द एफर्ट कि बच्चे स्कूल आए और एक्स्ट्रा करिकुलर्स करें। दैट वॉज अ वेरी यूनिक थिंग। प्री मेन्स इंटरव्यू CMS टुडे, कोई ऐसे कोई क्वेश्चन आए हो जो वहाँ पर जहाँ पर आपने जवाब दिया हो और इस रूप से उसमें उसकी भूमिका बहुत बड़ी रही हो इस सिलेक्शन में? CMS में जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनसे डायरेक्टली मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भले ही आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट साइंसेस हो, तो CMS की एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल इस मेंस की प्रिपरेशन में। उसके अलावा इंटरव्यू में जो मेरे चेयरमैन थे मिस्टर TC आनंद सर, हु इज़ द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने से मेरे को CMS में बारे में उनसे मुझसे पूछा था। अब क्योंकि CMS इतना फेमस इंस्टीट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगा CMS में पढ़ के, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आपको, हाउ डिड यू फील व्हेन यू ग्रेजुएटेड आउट ऑफ इट एंड व्हाट वैल्यूज हैव यू लर्न फ्रॉम योर स्कूल। तो ऐसे सवाल मुझसे चेयरमैन बोर्ड ने पूछे थे। तो ये थे हमारे साथ आयुष सिवरे, जिनका हाल में ही अभी IAS में सिलेक्शन हुआ है। CMS के छात्र रहे हैं और नर्सरी से CMS में पढ़े हुए हैं। कहना है CMS में बच्चों का जो आधार होता है वो यहाँ पर एक ऐसा विकसित किया जाता है कि चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे एक जो नैतिक शिक्षा का आधार हो, चाहे एक सामाजिक आधार हो, वो पूरी तरह से मजबूत रहता है, और जिसके कारण आने वाले समय में भी इस तरह के छात्र हैं और भी कीर्तिमान स्थापित करें, क्योंकि लगातार CMS के छात्र अलग अलग विधाओं में CMS का नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोम प्रसाद, गौरव श्रीवास्तव, प्राइम TV लखनऊ। एक और छात्रा रही CMS की जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और सिविल सर्विसेज में अपना चयन करवाया है, कृतिका शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। कृतिका जी, बहुत बधाई हो आपके इसके सिलेक्शन के लिए, चयन के लिए, पर क्या मानती हैं CMS की योगदान कहाँ रहा, भूमिका कैसे रही, लगातार यहाँ पढ़ती आ रही? सर, मेरे स्कूल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे फाउंडर्स गांधी सर, मैम, इन लोगों ने हमें मैनकाइंड की सर्विस और कंपैशन की वैल्यू सिखाई, जिसने मुझे इंस्पायर किया मैं कि मैं सिविल सर्विसेज में अपना करियर चुनूं, और जो हमारे देश के सबसे गरीब, सबसे डाउनट्रॉडन लोग हैं, उनकी सेवा कर सकूं। क्या मानते हैं ऐसा कौन सी CMS में अलग है, क्योंकि पढ़ाई हर जगह होती है, करिकुलर एक्टिविटी हर जगह होती है, कैंप हर जगह होते हैं, हाउ इज CMS डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर, पढ़ाई हर जगह होती है, बट जो मॉरल एजुकेशन पे जो हमारे स्कूल का फोकस है,
और पढ़ाई जो हमारे स्कूल में है इट इज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ लाइक वसुधैव कुटुंबकम ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा नीडेड हैं अभी जितने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमेट चेंज चल रहा है दुनिया में उसके लिए। जय जगत सीएमएस का ध्येय वाक्य है, जगह से कितना ताल्लुक रखता है? सर जय जगत तो मतलब इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इफ़ यू कंसिडर इट फ्रॉम टूडेज परस्पेक्टिव। हम अगर इसको फॉलो करें तो वी कुड बी अ वेरी बेटर पर्सन देन वी आर नॉट इन लिविंग इन अ वेरी बेटर वर्ल्ड। सीएमएस के छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश रहेगा कि सब लोग जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं अपनी पूरी मेहनत करें और अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करें एंड हमेशा एफर्ट्स पे फोकस करें और निष्काम कर्म करें। इसके छात्र हैं स्पर्श शर्मा मास्टर मौजूद हैं, इन्होंने आईएएस क्रैक किया है, लगातार सीएमएस के छात्र अलग अलग कीर्तिमान बना रहे हैं और लगातार भारत की प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन हो रहा है। हमारे मौजूद जानते हैं क्या वैल्यू रही, क्या आधार रहा जिसे इतनी बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की है। बहुत बड़ा चयन है निश्चित रूप से, भारतीय प्रतिष्ठित सेवा है, और क्या मानते क्या आधार रहा है? इसका आधार तो मेरा बेसिकली बचपन से ही था कि मुझे बनना है, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये सिविल सर्विस बैकग्राउंड है, पापा का भी यही करियर है, और जो ये सर्विस होती है बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म देती है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, और अपने लिए भी, तो एक करियर ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने उसको ऑप्ट किया था। पठन पाठन सामग्री हो गई या जो पढ़ने की पढ़ाने की तरीका हो गया या जो नैतिक शिक्षा का ज्ञान हो गया, जो मॉरल एक्टिविटीज़ हो गया, करिकुलर एक्टिविटी हो गया, हर अमूना हर स्कूल में होती है, सीएमएस में ऐसा क्या है जिसके कारण लोग इतना लगातार जो कि छात्र हैं वो लगातार कीर्तिमान बनाते हैं, ओलंपियाड में भी जाते हैं और लगातार सिविल सर्विस चयनित हो रहे हैं? मुझे लगता है सीएमएस में जो एजुकेशन देने का तरीका है वो होलसम एजुकेशन, जो टीक्यूपी, जो टोटल क्वालिटी पर्सन जो बोला जाता है, वो सीएमएस में दिया जाता है। 22 इंटरनेशनल इवेंट होते हैं अब, तो मुझे लगता है मतलब मेरे टाइम में 22 होते थे, अब तो ज़्यादा ही होते होंगे, तो उनमें जो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्सपोजर मिलता है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होता है, कितना बड़ा इवेंट होता है, तो मुझे लगता है ये सब जो हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है ये कहीं ना कहीं काम आता है। किसी भी फील्ड में जाइए तो आप अगर बचपन से अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो आप सक्सेसफुल होंगे ही। सीएमएस के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सीएमएस के छात्रों को मेरा बस यही संदेश रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके इसको ईमानदारी से करिए, और किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसको एकदम जस्टिस करिए अपने काम के साथ, और अगर आप अपने काम के साथ जस्टिस करते हैं, 100% देते हैं, तो आप हर फील्ड में टॉप पे जा सकते हैं। थैंक यू। सीएमएस में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, क्वालिटी डेवलपमेंट है, साथ ही साथ जो संपूर्ण विकास है वो सीएमएस में पठन जो व्यवस्था है उसके तरह से किया जाता है, इसके कारण इसके छात्र लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में चयनित हो रहे हैं। कैप्टन शुभम प्रसाद गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। विश्व के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार सीएमएस में आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस के संस्थापक दरीश गांधी जी, जानते हैं समारोह के माध्यम से क्या संदेश चाहते हैं, और सीएमएस की आज 64वीं वर्षगांठ भी है, 64 साल चुके खुले हुए, चर्चा करते हैं सीएमएस गांधी जी। शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जी हमें कहना चाहेंगे इस पर? देखिए आज ये विद्या का पर्व मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल 1 जुलाई से सारे स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो हमारा टीचर से कहना है कि एक दिन पहले बुला के आप कल से जो पढ़ाएं तो पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार दें, जीवन मूल्य दें, अच्छे चरित्र बनाएं, और बच्चों में वसुधैव कुटुंबकम और ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है के विचार कल से देना शुरू करें, ताकि ये विचार बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये जो अच्छे विचार हैं इनका बड़ा मूल्य है, इसी के लिए आज विद्या का पर्व ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें 3,000 टीचर्स का आज खाने का कार्यक्रम है, लंच है उनका, 3,000 टीचर्स का। बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है, लगातार सीएमएस के छात्र भारत सरकार की प्रतिष्ठित सेवा में चयनित हो रहे हैं, और आज भी चयनित हुए हैं, आज भी लगभग इस बार, हाँ जी, 7 बच्चे आए हैं उनकी मदद जी, तो क्या 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 कारण है कि सीएमएस के छात्र लगातार कीर्तिमान स्थापित करते हैं और सरकारी सेवा में उनका लगातार चयन हो रहा है? सबसे ज़्यादा आते हैं पीसीएस में, आईसीएस में, आईपीएस में, और इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेजेस में, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में लार्जेस्ट नंबर ऑफ बच्चे सीएमएस के जाते हैं, और बोर्ड के परीक्षा फल में भी सबसे अच्छा परीक्षा फल उनका रहता है, बोर्ड का परीक्षा फल। तो ये कोशिश है
बच्चों को, क्योंकि इसमें केवल पढ़ाई नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का पूरे निर्माण है, तो इसकी वजह से ये टीचर्स जो हैं वो बहुत दिल लगा के अपना काम करते हैं और यही कारण है कि बेस्ट रिजल्ट आते हैं और हर जगह सीएमएस के बच्चे टॉप पर आ रहे हैं। ये थे हमारे साथ सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी का कहना है, सीएमएस में व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर काम होता है, शिक्षक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसके अलावा तमाम ऐसे जो विधा हैं उन पर लगातार बच्चों को शिक्षित किया जाता है, कैंप के माध्यम से और तमाम करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, तभी सीएमएस के बच्चे लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं और लगातार देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा सर्विस में भी उनका चयन हो रहा है। कैमरा शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। वाराणसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में घटी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। राजस्थान के गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय से शुरू हुआ और कमिश्नरी सभागार तक पहुंचा। उदयपुर में कन्हैया की जिस प्रकार से हत्या की गई, आज उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ एकत्रित होकर के एसीएम साहब को पत्रक दिया गया और यह एक संदेश है। इस संदेश के माध्यम से हम कहना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से और पूरे देश के अधिवक्ता समाज को कि आप इसका जोरदार विरोध करें, जिससे कि कानून जो है फांसी की सजा अविलंब सुनाए, तभी जा कर के इस देश की जनता को सुकून मिलेगा। कन्हैया लाल साहू जी की जिस प्रकार हत्या की गई, ये जघन्य अपराध में आता है। इसके लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख के ये मांग की गई है कि जो दोषी पकड़ाए गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनका मामला जो द्रुतगामी न्यायालय में चलाया जाए। कन्हैया के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए, उनके परिवार के 2 सदस्य। अयोध्या शहर के गांधी पार्क में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। राजस्थान के उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैया लाल के हत्या के मामले में अयोध्या में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कन्हैया लाल अमर रहे के नारे भी लगाए। बजरंग दल के नेता धीरेश्वर वर्मा ने कहा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तित ही समस्या का समाधान है। जब तक राजस्थान में सत्ता परिवर्तित नहीं होती है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जो इस्लामिक अंतरवादियों ने नृशंस हत्या की है, पूरा बजरंग दल आज पूरे देश में हर जिले में इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का पुतला दहन करके उन कट्टरवादियों को यह संदेश देना चाहता है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम चाहे जितनी वीडियो वायरल करो, हिंदू समाज पहले से ज़्यादा सशक्त रूप में उसके विरुद्ध खड़ा है और इन सारे आतंकवादियों और कट्टरवादियों। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा क्षेत्र में एक परिवार में घरेलू कलह के चलते विवाद हो गया, जिसके चलते 40 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को घटना से अवगत कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अग्गे माजरा है जी, इसमें दोनों में झगड़ा हो रहा था। रात को 9 बजे मैं 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन करा, मैं खाना खा रहा था। मैं तो इन्होंने पूछी कि झगड़ा हो रहा है इनमें, तो मैंने कि बात करो बन्ने से, तो बन्ने ने मना कर दी, बात नहीं करूँगा मैं। बन्ने कौन है? उसका आदमी है। हाँ जी, तो सवेरे 5 बजे इन्होंने फ़ोन करा कि लड़की ख़त्म हो गई। मैंने कहता फांसी लगा ली है, तो मैंने यहाँ देखा कि इसके घुटके खिचड़े पर हैं, कपड़े सने मट्टी में। खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने सिविल लाइन्स मोहल्ला स्थित श्री बालाजी मंदिर में पहुंचकर शीतल पेयजल टंकी का शुभारंभ किया और इस सराहनीय पहल से खुश होकर मंदिर में मौजूद भक्तों ने जय जय श्री राम के
गगन भेदी नारे लगाए। इस दौरान विधायक पंकज गुप्ता ने उदयपुर में हिंदू धर्म के अनुयायी की निर्मम हत्या को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा कि जहां योगी की सरकार है वहां ऐसी जघन्य अपराध करने की लोगों में हिम्मत नहीं है। देखिए, विधानसभा के जितने भी आध्यात्मिक स्थल हैं, विशेषकर जो मंदिर है हमारे, वहाँ पर भक्तजनों को शीतल पेयजल की समस्या न हो। गर्मी के दिनों में अधिकांशता देखा गया है कि पेयजल की समस्या रहती है। शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल आम जनमानस को मिले, भक्तजनों को मिले, इस दृष्टि से सभी मंदिरों में मेरा प्रयास है कि शीतल पेयजल की मशीन लगाई जाए। उसी का शिलान्यास करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। धर्म और अध्यात्म के लिए हम सब, हमारी पार्टी, हम मानव जाति से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग, खबर कानपुर से है जहां जमीन के लालच में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या करवाने का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते 25 जून को हुई इस हत्या के जघन्य वारदात का थाना सार पुलिस और टीम सर्विलांस की मदद से महज 5 दिन के अंदर खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद किया है। इसका मोटिव ये था कि इसका भाई जो राजन यादव है, इसकी साली थी, उससे शादी करना चाह रहा था। राजन यादव नहीं चाह रहा था कि साली से शादी हो, ये मेन बात थी। दूसरा ज़मीन का मैटर था। इसमें जो दूसरा मुलजिम मेन जो है खिलाड़ी इसमें, ये सुशील शर्मा है। सुशील शर्मा का एक प्लाट का विवाद था, उस प्लाट को कब्जा कराने में ये लालू का हाथ रहा है। ये कुछ दिन पहले ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं और जो भी है। खबर मुरादाबाद से है जहां सिविल लाइन में ढोल की थाप पर खाकी वर्दी धारी महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा खाकी वर्दी धारी महिलाएं ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर डांस करती हुई साफ नजर आ रही हैं। 34 साल हो गए अभी लास्ट। महिला थाने में पहुंची। कहां कहां सेवाएं दी? क्या नाम है आपका? प्रेमलता जी। कहां तैनात? सिविल लाइन में। कितने साल से आप तैनात? कानपुर में प्लास्टिक बैन को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सरकार सजग दिखाई दे रही है, जिसको लेकर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए नजर आए। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कागज, जूट और कपड़े के बने झोले इस्तेमाल होने चाहिए, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो सके। और क्या कुछ कहा है आप भी देखिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1950 से लेकर अब तक अपना देश 9 बिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक बना चुका है, और 1950 में जो प्लास्टिक बनी थी वो आज भी वजूद में है, आज भी मौजूद है। ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। सिंगल यूज प्लास्टिक एक जहर है। अगर इसी तरह जहर फैलता रहा तो हम लोगों को रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त हो, इसका बहिष्कार किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान छेड़ रखा है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक है, हमारे और आपके लिए भी बहुत घातक है। इसलिए जूट का इस्तेमाल करें, कागज के बने थैले लें, दफ्ती है, बोरा है, इन चीज़ों के बने थैले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि सहयोग करें, ये हमारे आपकी भलाई। खबर गोरखपुर से है जहां एडीजी की शानदार पहल त्रिनेत्र योजना के तहत चौक चौराहे को गोद लेकर वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाले नागरिक और व्यापारी के घर पुलिस बैंड बाजा लेकर पहुंची और उनका सम्मान किया। इस दौरान मौके पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ कैंट श्याम देव बिंद सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सर को, जिन्होंने हमारे शहर के लिए ऐसा सोचा। सर ने सोचा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शहर तो हमारा है, हम लोग को यहाँ हमेशा रहना है। तो हम लोगों ने जो भी किया है, यह एक बहुत ही छोटा सा वो है, और जैसा कि एस्ट्रा हमेशा करता रहा है, नेत्र अभियान के तहत में हम लोगों ने शहर के जो अच्छे नागरिक हैं उनसे अनुरोध किया था कि चौराहों को गोद ले। उसी क्रम में हमारे एस्परा जो हमारा एक गोरखपुर की शान है, और जो अतुल और अनूप जी जो हमेशा सामाजिक कार्यों में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, उन्होंने इस जब अभियान के बारे में जानकारी पता लगी तो स्वतः सामने आए हैं, और उन्होंने 6 चौराहे अभी तक हमें बताए हैं जिनको गोद लेने का। खबर मैनपुरी से है, जहां गांव के ही एक युवक ने 4 साल की मासूम को मोबाइल दिखाने और पैसे देने के बहाने 4 से अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद मासूम ने घर जाकर पिता को पूरी घटना बताई। वहीं पिता बच्ची को लेकर थाने पहुंची और मामले में केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल चेकअप करवा के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मासूम बच्ची को मोबाइल और पैसा देने के बहाने बहला फुसला कर अपने साथ बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, और जब बच्ची घर वापस लौटी तो उसने अपने पिता को पूरी जानकारी दी। फिर पिता ने बच्ची को थाने ले जाकर उसका चेकअप करवाया, और उसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई। ये प्रकरण थाना बेवर का है। कल शाम को लगभग 6:30 बजे एक व्यक्ति द्वारा अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बुरा काम करने के संबंध में तहरीर दी थी। इस सूचना पर थाना बेवर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया, विवेचना की जा रही है, और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्य। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले के कलेक्ट्रेट एनआईसी में अध्यक्ष, जिला पंचायत विधायक और जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं से लाभार्थियों को ऋण मुहैया कराकर लाभान्वित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के उद्बोधन को भी वर्चुअल माध्यम से सुना और देखा गया। प्रदेश के उद्यमियों को जो अपने हाथ से काम करते हैं, स्वहथकरघा काम करते हैं, 1 District 1 Product के तहत उन लोगों को बढ़ावा मिले, और जब उनको बढ़ावा मिलेगा, उत्पाद उनका होगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और ये कार्यक्रम चला, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्यक्रम है। और ख़ास करके जो बैंकर्स और उद्यमियों के बीच में अपने आपसी तालमेल हैं वो बहुत अच्छे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विकास के नाम पर ग्राम प्रधान ने पैसा तो निकाल लिया पर गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान दबंग है और दबंग होने की वजह से ये मानक के विपरीत काम करवा रहे हैं। कई बार अधिकारियों का दौरा भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि हम कमीशन देते हैं और हम इसी तरह से करवाएंगे, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नाम मजहर मलिक है, मैं सेमरा का निवासी हूं। समस्या ये है कि सेमरा का काम हो रहा है, लक्की राइस मिल के पास पुल है,
वहां से लेके मुजाहिद चौधरी के बोरिंग तक मट्टी का काम हो रहा है और हुआ है, लेकिन मास्टर रोल में काम भी दिख रहा है, काम प्रधान ने करवाया है, लेकिन वहां पे इंच में मट्टी नहीं सेंटीमीटर में डाली गई है। जो आज के टाइम अगर देखा जाए, अभी आप देखिए चल के कि क्या हाल है उस रोड का जहां पे काम करवाया गया, और ये काम होने के बाद अभी तो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये तो क्लियर नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि BDO साहब या उनके जो भी अधिकारी हैं इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। मलिक है, मैं ग्राम पंचायत सेमरा कमिया का निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में जो वर्तमान प्रधान है अब्दुल कयूम के द्वारा जो है कई चकमार्गों का काम कराया गया, जो कि मानवहीन है। जो सरकार की मंशा है कि चकमार्गों का बढ़िया से चौड़ीकरण हो जाए, ऊंचीकरण हो जाए, ताकि लोगों के खेतों तक चकमार्गों तक जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद का लोग काम कर रहे हैं। मिट्टी हल्की सी डालते हैं, उसके बाद में भी हफ्ते भर 15 दिन 20 दिन हुए हैं काम चकमार्ग पे करवाए हुए, और दूब घास जो होती है वो दबाई, क्या किए हैं, सिर्फ घास को जो है घास फूस जो था उसकी हल्की। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शारदा नदी कई सालों से क्षेत्र में तबाही मचा रही है। वहीं बीते 3 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के कई गांव में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि DM लखीमपुर खीरी महेंद्र बहादुर सिंह सदर तहसील के ब्लॉक फूल बेहड़ के ग्राम करधिया मानपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने शारदा नदी में बढ़े जलस्तर शुरू हुए एक कटान का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान DM ने मौजूद ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कटान की जगह पर जाने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और डुमरियागंज से पूर्व BJP विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उदयपुर की घटना को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कन्हैया की हत्या हुई है वो जाहिलियत है, और इस घटना के बाद मदरसों की शिक्षा को संज्ञान लेना चाहिए और सारे मदरसों में CCTV कैमरा भी लगाना चाहिए, जिस पर प्रशासन कड़ी नजर रखे। आखिर में घटनाएं घट क्यों रही है, इसके तथ्य में जाना ही होगा। मदरसों की शिक्षाओं को, शिक्षा क्या मदरसों में दी जाती है, इसको संज्ञान में लेना ही होगा। आखिर में इस तरीके का जनून, जघन्य हत्या, पहले मोबाइल पे बोल करके धमकी देना, फिर हत्या का वीडियो वायरल करना, और फिर हत्या के बाद प्रसन्न होकर के मोबाइल के माध्यम से वीडियो वायरल करना, ये साफ संकेत देता है कि पूरी दुनिया में एक षड्यंत्र का केंद्र है और उस केंद्र से यह सारा कुछ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं ने दिल खोलकर दान किया है। बता दें मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान के दौरान 3,400 करोड़ रुपए का दान आया, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने कूपन के जरिए समर्पण दिया। 3,400 करोड़ रुपया जो है ये हमारा अभियान जो चला था उसमें मिला हमको, और 11,000 करोड़ लोगों से वो दान इकट्ठा हुआ है। 10 रुपए से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है, आम जनता का सहयोग है। ये 11,000 करोड़ जो है वो आम जनता के लोगों ने दान दिया, इतनी रसीदें हमारी कटी हैं, इतने कूपन हमारे कटे हैं। अरे भाई, ट्रस्ट दानदाता अभियान चला, लोगों के पास गए, हमारे यहाँ कूपन 10 रुपए से लेकर के 1,000 तक के थे, उसके बाद में रसीदें थी, लोगों ने दान दिया। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर बनने के लिए दान दिया है, तो जब मंदिर बनने के लिए दान दिया तो मंदिर दे कहां से लेंगे, अभी तो मंदिर। मामला अलीगढ़ के गांव रामपुर का है, जहां एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर निजी अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला का प्रसव में ऑपरेशन बताया। इसी को लेकर महिला के पति से डॉक्टरों ने 50,000 जमा करा लिया और ऑपरेशन के लिए ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने महिला को अलीगढ़ ले जाने की बात कहने लगे, इसी दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के घर वालों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए थाना इगलास में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
यहाँ हॉस्पिटल से पल्ले के वापसी लेके आई तो जिनों डॉक्टर साहब ने यहाँ जिम्मेदारी के अपने इंतजाम उतार ले मैं बताऊँ उतार के और जिन्हों ऑपरेशन किया आधा और उसके बाद में फट ले चुके इसको अलीगढ़ को। फिर क्या हुआ? और फिर वहाँ जा के आगे चले थे अलीगढ़ नहीं आ पाए जो तक सासनी गेट से पहले उतर। फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी डालने की शिकायत को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं कई लोगों का कहना है कि पेट्रोल की जगह गाड़ियों में पानी डालने की वजह से उनकी गाड़ियों के इंजन सीज हो चुके हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। मैं पेट्रोल भरवाने आया, मैंने 250 रुपए का पेट्रोल डलवाया और वहाँ के नाम पे मेरे को यूं मिला। स्कूटी मेरी खुली पड़ी है मैकेनिक पे, यहाँ से खींच के लेके गया। मैंने कहा चल बारिश होगी वैसे ही भर गएगा पानी। निकलवाया तो पूरा पानी भरा पड़ा है सारा। मुझे मेरा खर्चा चाहिए स्कूटी का सारा और जितने पैसे लगे यहाँ का सारा खर्चा चाहिए। मेरा नाम रत्नाकर। रत्नाकर जी क्या कुछ हुआ पेट्रोल पंप पे? पेट्रोल पंप हंगामा हो रहा है आप देख ही रहे हैं। बाकी ये पेट्रोल में जो मिक्सिंग आ रही है और इसके अलावा मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को फोन करा वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। अभी पता लगा था ऐसे ऐसे किसी बाइक में ना पानी आ गया था पेट्रोल में जी, तो अभी तसल्ली कर रहे हैं उसमें बारिश की वजह से हो सकता है जी। आ सकता है बारिश की वजह से जी। बाकी चेक कर गए उसके बाद कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है जी। झगड़े की वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं जी। और जो पानी आया उसमें जो उससे रिलेटेड जो महकमा। खबर उदयपुर से है जहां कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जिहादियों का फतेहगढ़ चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। बता दें कि प्रशासन को इस मामले की भनक तक नहीं लगी जिसके बाद पुतला दहन की सूचना पर पहुंचे पुलिस सीओ सिटी ने शहर कोतवाल और फतेहगढ़ कोतवाल पीएसी और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पुतला फूंकने का प्रयास किया जिनको पहले भी समझाने की कोशिश की गई थी। उनसे वार्तालाप भी बातें भी मतलब उनको समझाया गया था वार्तालाप भी की गई थी लेकिन वो उनके कुछ साथी जो यहाँ पे पुतला लेके आ रहे थे पुलिस के द्वारा उनसे पुतला छीन लिया गया। इस दौरान उन्होंने उसमें आग भी लगा दी बट कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया उसके विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहब।